वेलकम टू सिविल हब। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किए जाने वाले इस नए ऐप के बारे में, जिसका नाम है ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स। सो बेसिकली ये ऐप जो है गरीब किसानों और जो भी एक एवरेज जो कि वो किसान जो कि महंगी मशीनें महंगे इक्विपमेंट्स हायर नहीं कर सकते हैं, बेसिकली उनके लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे ये वर्क करता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द सेंटर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैव डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू रिवॉल्यूशनरी एप्लीकेशन व्हिच हेल्प द रूरल फार्मर्स टू एक्सेस कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द अफोर्डेबल प्राइस एट देयर डोर स्टेप्स। इस ऐप के जरिए सेंटर और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि इस ऐप के ज़रिए वो उन गरीब किसानों को वो हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आज के टाइम में नए नए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी एक नेसेसरी चीज़ है फार्मिंग के लिए, जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इवन उनके डोर स्टेप तक, इस ऐप के ज़रिए वो सारी चीज़ें उन्हें वो प्रोवाइड कराएंगे। इस न्यू मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए किसान वो सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को बुक या हायर कर सकता है जो कि उसके बस या कह सकते हैं कि जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो बहुत महंगे इक्विपमेंट्स हैं वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए बुक कर सकता है। ऊबर कंपनी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस ऐप का नाम ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स रखा है, क्योंकि ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स ये जो ऐप है इसका एम है टू रीच एंड कनेक्ट अमॉन्ग द ग्रास रूट लेवल पीपल्स। इस और ऊबर भी यही काम करती है टू कनेक्ट द कैब, जैसे ऊबर जो है हमें कैब से कनेक्ट करती है इतनी ज़्यादा भीड़ में भी इतने लोग कैब्स बुक करते हैं, सबको अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से मिल जाती है, उसी तरह गवर्नमेंट भी ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स के ज़रिए किसानों को वो हर एक चीज़ इसी तरीके से प्रोवाइड करना चाहती है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका नाम ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स रखा है। गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड मोर देन 38,000 CHC अक्रॉस द कंट्री। अब आप सोच रहे होंगे ये CHC है क्या, तो मैं आपको बता दूँ कि CHC जो है, CHC इज अ कस्टम हायरिंग सेंटर विच रेंट आउट 2.5 लाख पीसेज ऑफ इक्विपमेंट्स एवरी ईयर। CHC जो है वो एक कस्टम हायरिंग सेंटर है जो कि 2.5 लाख पीसेज इक्विपमेंट्स जो है हर साल रेंट आउट करेगा। इस महीने के एंड तक गवर्नमेंट का प्लान है इस ऐप को लॉन्च करने का, लेकिन CHC ऐप पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं, जो भी फार्मर्स चाहते हैं वो वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे 26,800 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो कि 1 लाख पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं, मतलब 1 लाख पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स कह सकते हैं आप बुक हो चुके हैं और 26,800 लोगों ने रजिस्टर किया है CHC ऐप पे। और जब ये ऐप ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा उसके बाद फार्मर्स को डायरेक्टली अपना मोबाइल नंबर एड्रेस और नाम के ज़रिए इस ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि ऊबर हम यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इस पे भी रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें कोई ऐसी कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, तो नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन है, नाम नंबर एड्रेस आपका पूछा जाएगा और उसके ज़रिए आप रजिस्टर कर देंगे, लेकिन जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा ऐप तब। गवर्नमेंट ने यहाँ एक और चीज़ करी है, उन्होंने इस ऐप में रेटिंग सिस्टम भी रखा है विच विल रजिस्टर फीडबैक फ्रॉम बोथ द फार्मर एंड CHC, जो कि फार्मर और कस्टम हायरिंग सेंटर दोनों का ही फीडबैक रजिस्टर करेगी। दिस ऐप विल ऑल्सो क्रिएट अ डेटा बेस फॉर द पॉलिसी मेकर। इस ऐप के जरिए जितने भी पॉलिसी मेकर हैं उनके पास एक डेटा बेस क्रिएट होगा जिसके ज़रिए वो सारे इक्विपमेंट्स की कॉस्ट और उनके यूज़ और उनका यूटिलाइजेशन जो है उस सब पे नज़र रख सकते हैं और एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। इस सिस्टम के ज़रिए गवर्नमेंट और भी नई टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स बने हैं फार्मिंग के फील्ड में उसको भी प्रमोट करना चाहती है, लाइक हैप्पी सीडर और सोलर ड्रायर। हैप्पी सीडर एक टाइप का इक्विपमेंट है जो कि यूज़ होता है इन डिक्रीजिंग द एयर पोल्यूशन एज वेल एज इन फार्मिंग ऑल्सो, तो वो इन सब न्यू टेक्नोलॉजी का प्रमोशन भी करना चाहती है इसके ज़रिए। गवर्नमेंट ने इस सिस्टम के पूरे जो पूरा सिस्टम है इसका डेमो जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में, जो कि काफ़ी सक्सेस भी रहा, इसका डेमो जो है वहाँ पे रन कराया और वहाँ पे रन कराने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, काफ़ी एक सक्सेसफुल कह सकते हैं आप इस सिस्टम को माना गया। उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट ने ये लास्ट स्टेप लिया है और इसको ऑफिशियली लॉन्च करने जा रही है।
So this was all about the Uber for Tractors, the app which is launched by the Agriculture Ministry and Center. Hope you like the video and please share, subscribe and comment. Thank you.